एक ही अलामत कई अलग अलग वजूहात से हो सकती है, तो बग़ैर वजह की सही तशखीस के इलाज कभी भी कामयाब नहीं हो सकता, बल्कि बग़ैर वजह की सही तशखीस किए इलाज करना मुज़िर भी हो सकता है। मेदे की तकलीफ, गैस, इसकी वजह और आसान इलाज। अस्सलाम वालेकुम, हकीम मोहम्मद मुदस्सिर आपका इस्तकबाल है चैनल सेहत की नियामत में। आज का मौजू है पेट की मेदे की तकलीफ, गैस, इसकी वजह और आसान घरेलू इलाज। मेदे की तकलीफ या गैस तीन अलग अलग वजूहात से होती हैं और हर एक का इलाज भी अलग होता है। मेदे की तकलीफ गैस की पहली वजह गर्मी। अगर खाना खाने के आधा घंटे बाद गैस बने और ख़ारिज भी हो तो ये गर्मी की वजह से है, और अगर आपके पेशाब का रंग डार्क येलो है, ज़ुबान सुर्ख हो तो ये गर्मी की वजह से है। इसका इलाज खाने से आधा घंटा पहले आधी गिलास पानी पिएं, फिर आधे घंटे के बाद खाना खाएं। खाने के बाद ज़ीरा सफ़ेद और इलायची का कहवा पिएं। पेट की मेदे की तकलीफ गैस की दूसरी वजह ठंडक या सर्दी। अगर किसी को पेशाब ज़्यादा आता हो, बार बार आता हो, ज़ुबान सफ़ेद हो, खाना खाते ही मैदा फूल जाए, वज़नी हो जाए, सुस्ती हो, सोने को दिल चाहे, ये सर्दी की वजह से है। इसका आसान घरेलू इलाज, खाने से पहले सिरका पानी में मिलाकर इस्तेमाल करें, खाने के बाद लौंग दालचीनी का कहवा बनाकर इस्तेमाल करें। तीसरी किस्म, ज़ुबान पर दरमियान में पतली सफ़ेद तय हो, सुबह का पेशाब सुर्खी माइल हो, गैस बहुत बनती हो और निकलती नहीं हो, बंदा चाहता है कि निकल जाए ताकि मुझे आराम आ जाए लेकिन गैस निकलती नहीं, खाते ही पेट फूल कर सख्त हो जाता है, ये तेजाबियत या खुश्की की वजह से है। इसका इलाज, खाने से पहले एक चुटकी नमक चाखें, खाने के बाद अजवाइन पुदीने का कहवा पिएं। अगर तकलीफ ज़्यादा हो तो किसी अच्छे नफ्स शनास हकीम मौलिज से मिलकर अपना मुस्तकिल इलाज कराएं। अपनी तशखीस अपना इलाज खुद करना ख़तरनाक होता है। वीडियो पूरा देखने के लिए शुक्रिया। अपना ख्याल रखें, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।